महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज जोर शोरों पे हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी है। वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। इस मामले ने भाजपा को मुद्दा दे दिया है। भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं है। ढूंढने का काम चल रहा है, खोज चल रही है। जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बड़ा सीएम माना जाए, वहां जनता नहीं भगवान ही मालिक लगते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि अब भगवान ही बचा सकते हैं कांग्रेस को और कोई नहीं बचा सकता। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को, मगर गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाए। यदि वह गांधी परिवार से बाहर किसी को खोज पाते हैं तो खोज लें। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब सबसे योग्य नेता भूपेश बघेल ही बचे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि पूरे देश में अगर कोई योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे भूपेश बघेल बचे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2.5 साल के मुद्दे के बाद भी अपनी कुर्सी को बचा रखा है। केरल भूपेश बघेल गए हैं, किस काम के लिए गए हैं? उससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होने वाला है? हम चाहते हैं कि इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाए और उसे वह खोज पाए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। इस मामले में पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। बृजमोहन अग्रवाल की टिप्पणी पर शुक्ला ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा किस नैतिकता से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। शुक्ला ने पूछा कि वो बताएं कि जेपी नड्डा को फिर से भाजपा का अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है, ये बताएं कि नड्डा ने इस पद के लिए कब नामांकन दिया है, कितने उम्मीदवार रहे, किसने मतदान किया। कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में बोलने का उन्हें कोई नहीं। यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहा है। भाजपा भूपेश बघेल सरकार से डरती है, इसीलिए इस तरह की बातें बृजमोहन जैसे नेता करते हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कई नामों की चर्चा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होने की शुभवाहट है। प्रक्रिया जारी है, कौन होगा अध्यक्ष इसका फैसला जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।